की नदी में इस किताब घर से बड़ी कोई कश्ती नहीं है। क्या मतलब यह है कि यह बगदाद का सबसे बड़ा किताब घर जो महल में मुझे कभी बताया नहीं। जहां जफर जैसा शैतान रहता है बगैर इजाजत यहां आकर हमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। खतरा तो है लेकिन खतरा उठाए बिना जीना भी कोई जीना है। मेरे अब्बू के पास भी राज़े कायनात की एक किताब थी जो उन्होंने मीर चाचा को दी थी। उस किताब में भी दुनिया के हर खतरनाक जादू लिखे हुए थे जो उसने मुझसे धोखा देके छीन ली। और उसने उसी किताब का इस्तेमाल करके अंगूठी छाप को बुलाकर अपना गुलाम बना लिया। अब वो किताब कहाँ है आका? मुझे नहीं पता। पर मेरा दिल कहता है कि आज हमारी तलाश यहां खत्म होगी। राज़े कायनात का राज इस किताब घर में ही मिलेगा। मेरे दिल का मुर्गा तेरे सुर में सुर मिलाकर कुकड़ुक्कु कर रहा है। क्या इनका मतलब है कि इनका भी यही कहना है। लोग कहते हैं जादू टोना जिन्नात और काला जादू के ऊपर लिखी हर किताब इस किताब घर में मौजूद है। ये मामूली किताब पर नहीं है भतीजे। किताब खोलो अगर प्यार से। इस किताब घर में 2000 साल पुरानी किताबें भी हैं। पुराने तो हम भी 1500 साल के हैं और इसमें से कई किताबें तो हमने पढ़ भी रखी। ये जिन चांद चंगेजी हैं इनकी उम्र 1500 साल है। 1500 साल? इनकी शक्ल देख के इनकी उम्र का तो पता ही नहीं चलता। तभी मैं सोचूं कि इनकी जुबान के बाद में
फूल तो खिल रहे लेकिन पतझड़ वाले, अब समझा क्यों? क्या इनका मतलब ये है कि ये समझ नहीं पा रहे थे कि एक छोटा सा बच्चा बुजुर्ग की आवाज में कैसे बात कर रहा है? तुमने तो कई किताबें पढ़ी है ना, तो जिन्नात के बारे में नहीं जानते बुलबुल? चाचा कहो, मुझे कहो। क्या बुलबुल नहीं, बुलबुल चाचा कहो। बुलबुल चाचा, बुलबुल चाचा, बुलबुल चाचा, बुलबुल चाचा, बुलबुल चाचा। आप दोनों इतने पढ़े लिखे हैं, अपने दिमाग के खजाने में से दो तीन मोती निकालिए और दीजिए और बताइए कि आपका 1500 साल का तजुर्बा क्या कहता है। सिर्फ औरतें ही क्यों गायब हुई और जो नहीं हुई वो कैसे बच गई? क्योंकि क्योंकि बोलो बोलो, तुम ही बोलो बुलबुल। चाचा बुलबुल चाचा, बुलबुल रे बुलबुल चाचा। क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। हम अपने से छोटों को मौका देना चाहेंगे। आज ये लाडले कि छोटे से छोटा काला जादू भी औरत की कुर्बानी के बगैर पूरा नहीं हो सकता। और ये हरी रोशनी वाला जादू, वो तो बहुत बड़ा जादू था, इसलिए इसमें कुर्बानियां ज्यादा देनी होंगी। कुछ औरतें इसलिए बच गई क्योंकि उनकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन जादू करने वाले की किस्मत खराब थी। शायद उसे किसी वजह से यह जादू रोकना पड़ा। जफर के शैतानी इरादों की वजह से न जाने कितने मासूमों की किस्मत बदल गई, हमारी चिनी मिनी की भी। हमारे साथ लड़ने वाला, हमसे मिलके उस झुमरू का मजाक उड़ाने वाला अब कोई नहीं है। जिनी मिनी तुम कहाँ हो? अब तो मुझे उस गधे झुमरू की भी याद आ रही है। वो गधा मेरा मतलब है वो अंगूठी छाप। सोन मीनार के रास्ते में खड़ी दीवार का तोड़ ढूंढने गया, आता ही होगा बस उसे कोई तरकीब मिल गई हो, क्योंकि यहां इन किताबों में तो अभी तक कोई तरीका नहीं मिला। मिल गया। क्या 50 बुरे कुत्तों के आधे पिए दूध में 100 काली बिल्लियों के पूंछ के बाल मिलाने होंगे, फिर क्या होगा? उससे हम लंबे हो जाएंगे। अरे वक्त के दूध में बर्बादी का नमक नहीं, अरे फुर्ती की चीनी घोलो। क्या इसका मतलब ये कि जो काम करने आए हो उस पे गौर करो? हाँ, मैं कई दिनों से अपने दूरबीन से इस किताब घर की जासूसी कर रहा था। सफर अक्सर यहाँ आता है और एक खास किताब को बार बार पढ़ता है। तो पहले बताना चाहिए था ना बुलबुल। अरे पहले से बताने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जफर इस किताब घर के जिस हिस्से में आता है वहां इतनी किताबें हैं कि उसे गिनते गिनते सारी रात हो जाती, और वहां धूल भी बहुत है। बुलबुल चाचा, जफर किताब घर के किस हिस्से में जाता था? दिखा दो, चलो। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि इतनी सारी किताबों को पढ़ने में और 1500 साल लग जाएंगे। पता नहीं इतनी सारी किताबों में से जफर वाली किताब कौन सी हो सकती है।
सबसे ऊपर वाले खाने में कहां से तीसरी किताब? मैं यकीन से कैसे कह सकता लाटले? तेरे दिमाग के रसगुल्ले को अपने जवाब की चाशनी। आपने कैसे जाना आका? गौर से देखो, सारी किताबों में धूल की मोटी परत, से लग रहा है कि बहुत दिनों से किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। बस एक किताब है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल में इसको पढ़ा गया है। वाह लटले, वाह का। आराम से लाडले, किताबें तिलिस्म। इस पर तो ताला लगा है। ताला? तोड़ दो, तोड़ दो ताला, ताला तोड़ दो। ताला? कौन सा ताला? अपने अपनी अकल का ताला, अपने दिमाग का ताला तोड़ दो उसे। चिराग के जिन तुम्हारी रगों में खून नहीं। जादू बहता है, जादू बहने दो, बहने दो उसे, बहने दो। इन रगों में बहते जादू को काम में लाना है। जो हुए हैं गायब उन्हें वापस लाना है। शाबाश। शाबाश, शाबाश मेरे आसमान के चांद, माशाल्लाह। तुम्हारा जादू काम कर रहा है। ये देख लो, हवा का रुख तक बढ़ रहा है, उसकी तेजी बढ़ रही है, और अब सब खाक। तो अब हमें इस ताले के समंदर में चाबे की बूंद को कहां ढूंढेंगे? ढूंढ ली। अच्छा, तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? आप जानते हैं कि हम जानते हैं कि हमें क्या करना है? हैरान मत हो ये बुलबुल चाचा, चाचा अपने जादू से ऐसी चाबी बन गए हैं कि दुनिया का कोई भी ताला खोल सकते हैं। यही तो इनकी ताकत है कि किसी भी छोटी बड़ी बेजान चीजों में तब्दील हो जाते हैं। ताकत ने कई बार मेरी भी जान बचाई है। तो भी ये चाचा हमेशा के लिए चाबी बन गए। अरे क्या अच्छी बात है। इसकी बातों की वजह से मेरे दिमाग की इमारत में दर्द का जलजला आ गया था। फिर तो इमारत पक्का कर लीजिए, क्योंकि ये जादू कुछ ही देर के लिए रहता है। हाँ, अगर कुछ लम्हों में चाचा अपनी असली शक्ल में वापस नहीं आए तो ये हमेशा के लिए चाबी बन जाएंगे। ताला खुल क्यों नहीं रहा है? अरे जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। कोशिश, एक आखिरी कोशिश करो। जरूरत नहीं है बुलबुल चाचा,
ताला खुल गया। कायनात दुनिया के सारे काले जादुओं का निचोड़ है, जिसे ये मिल जाए पूरी दुनिया उसके मुट्ठी में आ जाती है। दुनिया को ऊपर वाले से पहले उस शख्स के आगे सर झुकाना पड़ता है। आज तक सिर्फ जादूगरनी मलिका ही राजे कायनात को पाने की कोशिश कर पाई। मलिका, ये तो दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी थी और सबसे खौफनाक भी। वो दुनिया के हर इंसान हर जिन को अपना गुलाम बनाना चाहती थी। फकीर हो या सुल्तान, मलिका के कहर से कोई नहीं बच पाया। फिर एक दिन वो कहां गायब हो गई, कहां चली गई, उसके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। आगे बढ़िए आका, शायद जवाब इस किताब में मिल जाए। हाँ, हाँ। राज़े कायनात का सबसे बड़ा राज है कि ये? आगे बोलिए आका। किताब का पन्ना किसने फाड़ रखा है? पर इस ताले लगे किताब की कैद से आधे पन्ने के कैदी को कौन निकाल ले गया? वही जिसके पास किताब की चाबी है। सफर का सच वही हमें बताएगा। चलो आलस की दुकान, खाना खा ले। अरे खा ले। बड़े बड़े देखे लेकिन तुस्सा ना देखा। जब बीवी जाती है तो मुंह लटकाकर बैठते नहीं हैं, नाचते हैं, गाते हैं, रोटियां खाकर खुशियां मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। काश तेरी जगह मैं होता और बहू की जगह वो निकम्मी, मेरा मतलब है तेरी अम्मी होती। वाह वाह कितना मजा आता। खोलो। नहीं खोलूंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं खोलोगे, नाज़नीन कह रही है आंखें खोलो, मतलब आंखें खोलो। पहले तुम मुझे छोड़ो। तेरी गुल्लू, तुम्हारे बिना ये घर मुझे बहुत सोना लग रहा है, बस अब तुम्हें जल्दी से ढूंढना होगा। पहले तुम मुझे छोड़ो। ऐसे कैसे छोड़ दे। तैयार हो जाओ गुल्लू, अब तुम्हारा गुल्लू तुम्हें ढूंढने आ रहा है।
आका, आका कहाँ गायब हो गए? आका बाहर आइए, आका, अरे शर्माने का वक्त नहीं है, बाहर आइए। अब क्या करूं? बिना आका के जिन बेकार बेअसर खिचाब होता है, बिना लफ्जों की किताब होता है, बुद्धू बच्चे का भी कोई हिसाब होता है। बेवकूफ, अगर आका होते तो बिल्कुल इसी तरह से डांटते। आका के गायब होने के गम में मेरे कान बज रहे। अब थप्पड़ भी बजाएंगे तुम्हें। हम यहाँ यहाँ देखोगे एक बार दबा। यहाँ आका वहाँ क्या कर रहे हैं? सेब का मुरब्बा खा रहे हैं, खाओगे? माशाल्लाह, तो यहाँ आइए, मुझे भी खिलाइए या मैं आऊं? कसम खुदा की तुम्हारे सर के अंदर दिमाग ही नहीं है। तुम्हारे जादू की वजह से हम यहाँ अंदर फंस गए हैं, बाहर निकालो हमें। जो हुक्म मेरे आका। कभी इधर कभी उधर, ये सब खेल हैं तकदीर के। आ भी जाइए आका बाहर इस तस्वीर के। आका सब खैरियत तो है? कमबख्त तुम, कमबख्त। गलतियां खुद करते हो, कसूरवार तकदीर को ठहराते हो। आका आप हमेशा मुझे क्यों कोसते रहते हैं? आप तस्वीर में तब्दील हो गए, इसमें मेरी गलती नहीं है, और लोगों के गायब होने में भी मेरी गलती नहीं थी। इसमें गलती मौसम की थी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था। मौसम की गलती? मौसम की गलती की क्या बात हो रही है?